दोस्तों, अक्टूबर 1957 को ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन फॉर्मर सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को आउटर स्पेस में लॉन्च किया। ये स्पेस रेस में एक फर्स्ट शॉट की तरह था, और इसके बाद तो सोवियत यूनियन ने एक के बाद एक फर्स्ट इस सीरीज में जोड़े। द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लाइका, एक साइबेरियन हस्की को स्पुतनिक 2 से सोवियत यूनियन ने पहली बार अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया। फिर अप्रैल 12, 1961, जब सोवियत यूनियन पहली बार एक ह्यूमन बीइंग को आउटर स्पेस में भेजने में सक्सेसफुल हो जाता है, और फिर यूनिक 3 जो मून के डार्क साइड को फोटोग्राफ करने के लिए लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, ये सारे इवेंट्स कोल्ड वॉर के पीक में हुए थे, जिस टाइम में दो सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया बहुत सारी थ्रेटर्स में सुपियोरिटी के लिए फाइट कर रहे थे, एरोस्पेस और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से लेकर ओलंपिक्स में परफॉर्मेंसेस तक। पर जब यूएसए अपने अपोलो प्रोग्राम से मून पर पहले ह्यूमन बीइंग को लैंड कराने में सक्सेसफुल हो जाता है, तब ये माना जाता है कि शायद ये स्पेस रेस यूएसए जीत चुका है। दोस्तों, ये बात थी 20th सेंचुरी की, पर आज है 21st सेंचुरी और आज करीबन 70 कंट्रीज के पास अपने स्पेस प्रोग्राम्स हैं। उस टाइम पे यूएसए और रशिया ग्लोबल लेवल पर अपने रीच बढ़ाने के लिए फाइट कर रहे थे, पर आज के टाइम में रशिया नहीं बल्कि चाइना यूएसए को सुपर पावर बने रहने की रेस में सीधा चैलेंज करता हुआ दिख रहा है। अब मेरा ऐसा कहने के पीछे क्या फैक्ट्स है, तो आइए इस वीडियो में उनको जानते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में एक साइंस लेबोरेटरी की तरह है, जहाँ पे रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि कैसे ह्यूमन स्पेस में रहना सीख सकते हैं और कैसे स्पेस एनवायरनमेंट्स ह्यूमंस की और प्लांट्स की लाइफ को अफेक्ट करता है। दोस्तों, ISS को कोई एक सिंगल नेशन ओन नहीं करता है, बल्कि इसको रशिया समेत 14 दूसरे नेशंस मिलकर ऑपरेट करते हैं। पर अब ISS करीबन 24 साल पुराना हो चुका है और 2030 तक इसके पार्टिसिपेटिंग नेशंस रिटायर हो जाएंगे। अब स्पेस में ऐसी कोई स्पेस लेबोरेटरी अगर प्रेजेंट होगी और एक्टिव मोड में होगी, तो वो होगी चाइनीज स्पेस स्टेशन, जिसका नाम दिया गया है तियांगयांग स्पेस स्टेशन, जिसका काम अभी रिसेंटली 2022 में ही कंप्लीट हुआ है। और दोस्तों, अभी रिसेंटली चाइना ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंजो 16 से अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया, और इसी लॉन्चिंग के साथ चाइना ने स्पेस स्टेशन में अपना 5th क्रूड मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो ये लाइव एग्जांपल है कि चाइना भी स्पेस सेक्टर में अपनी पोजीशन लगातार बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों, US इंटेलिजेंस सोर्सेज के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चाइना 2 और सर्कुलिंग हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट परफॉर्म कर चुका है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन्स डिफेंस सेक्टर में इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत तेज स्पीड से अप्रॉक्स मैक 5 या उससे ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, यानी कि 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। और हाइपरसोनिक वेपन्स के क्लास में आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत तेज स्पीड से अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करने में कैपेबल, रडार के ट्रैक में ना आते हुए टारगेट को हिट कर सकती है। नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी किसी भी कंट्री के पास इस हाइपरसोनिक वेपन्स के अगेंस्ट कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए चाइना अभी इस सेक्टर में लीड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, नासा ने वापस ह्यूमन बींग्स को मून तक पहुंचाने के लिए 3 आर्टेमिस मिशन डिक्लेयर किए थे, जिसमें से पहला आर्टेमिस 1 ओरियन स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया, और वो सक्सेसफुल भी रहा। ओरियन स्पेसक्राफ्ट वो स्पेसक्राफ्ट है दोस्तों जो ह्यूमन बींग्स को मून तक लेके जाएगा, और बाकी के मिशन आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 2024 और 2025 तक लॉन्च किए जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही सिमिलर ट्रैक्स में चाइना ने रशिया के साथ इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन इनिशिएटिव में पार्टनरशिप करके ह्यूमन को 2030 तक मून तक जाने का एम किया है। तो अब देखना यह है कि कौन अपने मिशंस में जल्दी सक्सेसफुल होता है। जो इन मिशंस में जल्दी सक्सेस अचीव करेगा, वो इस सो कॉल्ड स्पेस रेस को जीत जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।